पिछले 8 साल देश में बेरोजगारी का मेला चल रहा था, वो किसी को नहीं दिखा। आज मोदी जी ने एक मेला निकाला है, रोजगार मेले का नाम दिया उसे। हर चीज में एक तमाशा करना, कोविड हो तो तमाशा, कोविड से लोग मर रहे थे तब भी तमाशा, लोग बेरोजगारी में हाय तौबा मची हुई है पूरे देश में, फिर तमाशा। इस देश ने सरकार चुनी है, तमाशबीन नहीं चुने। ये तो धन्यवाद है भारत जोड़ो यात्रा को कि बेरोजगारी शब्द नागपुर वालों को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि हां बेरोजगारी है, नहीं तो आंखें बंद थी सबकी, कान बंद थे सब। और प्रधानमंत्री जी को भी समझ में आया कि बेरोजगारी वाकई एक मुद्दा है। इतना बड़ा मेला, कितनी नौकरियां, 75,000। वादा क्या किया था? अगर वादे पे हम जाएं तो 16 करोड़ नौकरियां पिछले 8 साल में मिलनी थी, उसका हिसाब दे देते मेला शुरू होने से पहले। मैं आपको ज्यादा समय नहीं लेते हुए यूपीए के वक्त नौकरियों का हिसाब किताब दे रहा हूं, हम लोग डरते नहीं हिसाब किताब देने से। और दीपावली के वक्त लेखा जोखा हमारे सांस्कृतिक परंपरा है, सारा बही खाता सामने रखना चाहिए, मोदी जी को भी रखना चाहिए, हम रख रहे हैं। एसएससी के 68 से 69,000 नौकरियां प्रति वर्ष मनमोहन सिंह जी की सरकार में मिलती थी, ये पब्लिक नॉलेज है, सब सार्वजनिक आंकड़े हैं, कहीं छिपाने वाली बात नहीं। यूपीएससी के 20,000 नौकरियां होती थी प्रति एक साल में, 20,000 यूपीएससी, 68 से 69,000 एसएससी, 30 से 35,000 रेलवे, बैंकिंग में 50,000 नौकरियां एक साल में मिलती थी, डिफेंस में 1.5 लाख नौकरियां प्रति वर्ष मिलती थी। अभी पिछले इसी जून को, जून 2022 को, मोदी जी के 4 मंत्री, वैसे मोदी जी के मंत्री सुबह से शाम तक कुछ करते नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी पर नजर रखते हैं कि भाई वो कहां गए, क्या बोला, और उनको जवाब देना, उन पे हमला बोलना, और कोई काम नहीं है मोदी जी के कैबिनेट का। लेकिन इस जून में मोदी जी के 4 मंत्री आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि मोदी जी तो करते नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, मंत्री करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि जून 2023 तक 10 लाख नौकरियां देंगे। आज क्या है जी, अक्टूबर खत्म हो रहा है, 6 से 7 महीने बचे हैं इस वादे में। आज मोदी जी ने भाषण में कह दिया दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरी, वो भी समय आगे बढ़ा दिया, धीरे धीरे 2025 तक ले जाएंगे बात को, तब वो नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन फिर भी ये हिसाब तो दीजिए। ये 75,000 नौकरियां देकर मेला लगाकर, और ये नौकरियों के बारे में भी बता दूं आपको, इन सबका रिजल्ट कब आया साहब, हम पूछते हैं, क्यों बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं? रिजल्ट 3 महीने पहले आया, 4 महीने पहले आया, 6 महीने पहले आया, आपने रोक लिया कि चुनाव आए गुजरात में और हिमाचल में और फिर मेला करें और तमाशा करें और बोले दिल्ली जी नौकरी ले लीजिए। वो बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं, उनकी उनकी पूरी जीवन के निर्णय इस अपॉइंटमेंट लेटर पर आधारित होते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, शादी करेंगे, घर बनाएंगे, अपना परिवार को आगे बढ़ाएंगे, सब आपके इस तमाशे की इंतजार कर रहे हैं पिछले 6 महीने से। क्यों हम ये भूल जाते हैं, जो अपने आप को प्रधान सेवक बताता था वो अपने आप को राजा मानता है, अब तो वो मुंह से प्रधान सेवक शब्द बोलते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। ये क्या राजा रजवाड़ों का राज चल रहा है? जब मैं कहूंगा तभी अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, भले उसमें 6 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, लेकिन चुनाव के पहले नाटक करना है मुझे। ये एक लोकशाही है, लोकशाही में आप अपने आप को कुछ भी माने, आप हैं जनता के सेवक, एक वोट पे आपको जनता बाहर कर देगी। उस जनता को, उस नौजवान पीढ़ी को आप मजाक में एक तरह से उसका जीवन बर्बाद कर रहे हैं।
अडवाणी जी ठीक कहते थे, हम उनकी बातों से बिल्कुल सहमत कभी नहीं रहे, लेकिन जो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था अपने चेले के लिए, ये इवेंट मैनेजर है। आप करिए इवेंट, जो करना है करिए, सरकारी खर्चा है, सरकारी पैसा है, बर्बाद करिए, जनता देख रही है, लेकिन नौजवान का जीवन तबाह करने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।